संक्षेप में एक दो सभापति जी, जो मसला अभी विजय गोयल जी ने उठाया है वो मसला दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मसला बन गया है। पूरी दिल्ली इस पर दो भागों में बट गई है। एक वर्ग जो इस बिल को जस का तस लागू करवाना चाहता है, एक वर्ग जो इस बिल को लागू करवाने के विरुद्ध है। इसी स्थिति को देखते हुए दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस सर्वदलीय बैठक में एक प्रस्ताव पारित करने के बाद एक सर्वदलीय समिति का गठन किया। उस समिति में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल, CPI और CPM, इन सबके प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने दोनों पक्षों के सारे मतों को सामने रख करके एक ऐसा ड्राफ्ट बिल बनाने की बात की जो कि बहुत संतुलित बिल हो सकता था, जिसमें दोनों मतों का समावेश किया गया था। ये ठीक है कि 100% समाधान तो नहीं हो सकता, लेकिन एक संतोषजनक समाधान उससे निकल सकता था। ये कमेटी की रिपोर्ट मेरे हाथ में है जिस पर हस्ताक्षर हैं, इन तमाम दलों के प्रतिनिधियों की हस्ताक्षरित ये रिपोर्ट शहरी कार्य मंत्रालय को सौंपी गई और उसके बाद शहरी मंत्रालय के मंत्री जी के साथ कई बैठकें हुईं। सभापति जी, एक बैठक में मैं स्वयं उपस्थित थी और उस बैठक में शहरी मंत्री जी से बात करने के बाद ऐसा ये आभास हुआ, और अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं कि आभास ही नहीं बल्कि आश्वस्ति हुई कि ये संतोषजनक समाधान निकलेगा। इन संशोधनों को स्वीकार करके एक एमेंडेड फॉर्म में वो बिल पार्लियामेंट में लाएंगे। मुझे लगता है कि शायद एक मजबूरी सरकार की आ गई है कि कोई PIL दाखिल हुई है जिसमें एफिडेविट एक हलफनामा सरकार को दाखिल करना है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि इस सर्वदलीय समिति का हवाला देकर, इसके द्वारा सुझाई गई अनुशंसाएं बताकर और इन अनुशंसाओं को हम लागू करते हुए एक संशोधित बिल पार्लियामेंट में ला रहे हैं, जिससे एक लेजिस्लेटिव विल सामने आएगी, जिससे एक पार्लियामेंट्री विल सामने आएगी। ऐसा एक हलफनामा सरकार यदि कोर्ट में दे दे तो उसमें से बहुत आसान रास्ता निकल सकता है। एक सर्वदलीय सहमति के आधार पर संशोधित बिल पार्लियामेंट के अंदर आ जाए, वो बिल अगर पारित हो जाए तो दोनों वर्गों का समाधान होगा और एक रास्ता इसमें से निकल आएगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि यहाँ इस समय तो रामविलास पासवान जी जो लीडर ऑफ द हाउस थे चले गए, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी मंत्री कम से कम खड़ा होकर के ये बात कह दे कि सर्वदलीय सहमति के, या आप निर्देश दे दें कि सर्वदलीय सहमति के आधार पर जो संशोधन सुझाए गए हैं उनका समावेश करके सरकार एक अमेंडेड फॉर्म में बिल ले आए और उसके पारित हो जाने से ये मसला हल हो जाएगा। और बहुत सर, गवर्नमेंट मस्ट बी आस्क्ड टू रिएक्ट ऑन दिस इंपॉर्टेंट मैटर। वी फुल्ली सपोर्ट। 3 days they have declared a strike over here. So much of inconvenience to the public. The government must react, must reassure everybody. We support this particular point, sir. Give a direction to the government to come down. Assure the public. They have taken note of this. They have taken note of this. Tomorrow or day after tomorrow they will come before the house. They will make a statement. Okay. सभापति जी, मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि पूरी दिल्ली को 3 दिन के लिए बंद का आह्वान किया गया। सरकार को मालूम था कि ये मसला उठेगा। आखिरकार दिल्ली के प्रतिनिधि मौन साधे नहीं रह सकते जब दिल्ली 3 दिन के लिए बंद का आह्वान हो। तो इस समय एक भी मंत्री यहाँ सदन में मौजूद नहीं है जो इस पर रिएक्ट कर सके। आखिर प्रशासन इतना संवेदन विहीन अगर होकर के चलेगा, वो मसले जिनका उठाया जाना अवश्यंभावी है उन पर भी सरकार प्रतिक्रिया नहीं करेगी, तो हम क्या इस सरकार के बारे में भूमिका लेकर के चलेंगे। इसलिए आप निर्देश दीजिए। ठीक है, बाद में देंगे।